So hey, what's happening guys, welcome back to my channel Hyper Raja Gaming. Today we are playing again Mech Arena and guys आज हम लोग वर्सेस करने वाले Redox and Brickhouse के बीच. And guys ये दोनों ही मैक जो है एक ही स्टार पे है, ठीक है, एक ही रैंक है एंड इनके ऊपर रॉयल गन 16 मैंने इक्विप किया है. और साथ ही साथ गाइज ये वीडियो ना ओनली फॉर फन है, सो इसको सीरियसली मत लेना. एंड ये भी बता देता हूँ कि विनर कैसे अनाउंस होगा. मैं दोनों मैक से गाइज एक एक गेम प्ले करूँगा एंड जिस मैक से मैं ज़्यादा किल अचीव करूँगा ना वो अपना विनर हो जाएगा. ओके गाइज, सो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को विदाउट स्किप किया एंड तक देखते रहना. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स वॉच द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो. सो चलो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट बैटल जो है स्टार्ट हो चुका है एंड पहली बार ये भाई Redox की. लेट्स सी भाई हम Redox से कितने किल्स अचीव कर पाते हैं. एंड इलॉन स्टेशन ग्रे मैप है तो सही मैप है. एंड भाई पहले तो हमको ट्राई करना है कैप्चर लेने का. देखो देखते हैं गाइस कैप्चर मिल पाता है कि नहीं. एंड मेरे साथ साथ भाई दो MD चल रहे. अरे भाई साथ साथ नहीं, मेरे से आगे निकल गए. आई थिंक ये मेरे से पहले कैप्चर कर लेगा, बट फिर भी भाई गाइस पूरी कोशिश करिए ये कैप्चर पॉइंट मिल जाए बस. सो चलो यहाँ पे भाई एट द एंड गाइस हम पहुँच गए एंड यहाँ पे हमको कैप्चर मिल गया. ओके सो अभी कैप्चर मिल गया, अभी देखते हैं किल्स मिलते हैं कि नहीं. नीचे से एक बंदा आ रहा है जिसका नाम है सैन गोकू. चलो इसको मारते भाई पहले. ओके सो बाहर थोड़ा रहे भाई. ये देखो गाइस एक हिट पड़ा, अभी एक और हिट. अरे यार ये तो कोपचे में चला गया, कोई नहीं इसको मार के रहेंगे. एंड ये लो गाइस यहाँ पे हमारा पहला किल निकल चुका है. नीचे एक और MD है तो इसको भी मारने का ट्राई करिए. वेट अ सेकेंड भाई, तू अब बच के कहाँ जाएगा. यार मैंने दो रॉयल गन के हिट मारे एंड ये मरा ही नहीं भाई. अंबुजा सीमेंट से बनते हैं क्या इन लोग भी. कोई नहीं गाइज इनकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा होती है इसीलिए इन लोग बच जाते हैं. यहाँ से गाइज एक मैक आ रहा है, आई थिंक ये शैडो होगा. नहीं गाइज ये एक लैंसर है तो इसको भाई किसी भी तरह मारना है. एंड ये लोग गाइज ये किल भी हमारा यहाँ पे निकल चुका है. अभी गाइज इधर से देखते हैं कोई आया कि नहीं भाई. अब तक नहीं, कोई दिख नहीं रहा है यार. सो गाइज वहाँ पे देख रहे हो चार चार मैक्स है, लिटरली गाइज चार चार मैक है तो अंधाधुन फायर करते एक ना एक किल तो निकल ही जाएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ. तो देखते हैं यहाँ पे एक किल निकल गया गाइज. किलिंग स्प्री अपना कंप्लीट हो चुका है एंड एक मैक नीचे कूदा है. कौन सा मैक है देखने दो. किल शॉट है एंड मैंने इसको एक हिट मारा तब भी नहीं मरा यार, हद है. ओके यहाँ से एक और मैक कूद के आया है. ये एक जगह नट है, वेट इसको डैमेज दिया एंड ये किल मिलना चाहिए, ये किल भी नहीं मिल रहा है. गाइज मैं एक मिस्टेक कर दे रहा हूँ कि मैं ना मैक्स को मार के थोड़ी सी HP बची होती है उतने में मैं छोड़ देता हूँ उनको. ये मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं यार देखते हैं. गाइज यहाँ पे एक एरेस है, इसको तो किसी भी तरह मार के ही रहेंगे. एंड ये लो भाई डैमेज दिया. वेट अ सेकेंड, ये किल लेना है गाइज. थोड़ा बहुत इसको और डैमेज होने देते हैं तब मारेंगे. एंड अब इसकी हेल्थ बहुत कम है एंड ये देखो गाइज कितनी सी HP भी बचा है, मतलब थोड़ी सी HP पे बचा रहता है एंड उतने में कोई और मार के चला जाता है. गाइज यहाँ से एक और एरेस आ रहा है, वेट करते हैं इसका आने दो भाई इसको. अब गाइज इसको हम अपने एबिलिटी का झटका देते हैं. तो चलो गाइज यहाँ पे मैंने अपना एबिलिटी ऑन कर दिया एंड अब इस एरेस का काम तमाम करना है. तो चल भाई मर जा चुपचाप. वेट अ सेकेंड, डैमेज देने दो. एंड गाइज हमारा यहाँ पे डोमिनेटिंग कंप्लीट हो चुका है. एंड गाइज नीचे से किल शॉट आ रहा है तो भाई इसको भी आने देते हैं. एंड ये तो कार्बाइन वाला है भाई, आ जा किल शॉट. तो ऊपर तो आ भाई एक बार. ओके सो ये आ रहा है गाइज. ओके सो चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको डैमेज दिया. गाइज थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा वरना ये मिली डैश से मेरे को मार देगा. अब सही मौका है. सो चलो गाइज यहाँ पे इस किल शॉट को भी हमने मार दिया है एंड स्मैकडाउन हमको मिल चुका है. नीचे से दो दो मैक्स आ रहे हैं तो इन दोनों का किसी भी तरह भाई इनको मारना पड़ेगा. वेट एक तो टैंक टाइप है, हाँ भाई ये रहा. एक है अपना एरेस एंड दूसरा वाला नीचे है गाइज. दूसरे वाले को भी मारेंगे बट अभी नहीं. ये कौन सा मैक है मेरे को देखने दो यार. ओके इस वाले को मारते हैं, ये फ्रीज है. सो चलो गाइज यहाँ पे हमने एक और मैक को मार दिया एंड नीचे अभी भी एक मैक है जो एरेस के साथ आया था. ये देखो ये रहा एंड इसको फिर से किसी ने फ्रीज किया. यही मौका है गाइज इसको मारने का. एंड चलो गाइज यहाँ पे हमारा अचीव हो चुका है रैम्पेज एंड इधर से एक और मैक उतर के आया है. सो गाइज ये एक किल लैंसर है, इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया मैंने. ये अरे यार ये किल गया तो मेरे को लगा भाई ये सही मौका था मारने का, बट ये किल चोरी हो गया. कोई ना, अब भाई गॉडलाइक के लिए एक किल तो चाहिए तो किसी भी तरह एक और किल अचीव करने का ट्राई करता हूँ. इधर से चलते गाइज, दो मैक्स अभी भी बचे उनके टीम के. होप करते कि उस इन दोनों में से एक का किल तो मुझे मिल ही जाए. सो इधर कौन सा मैक है भाई, ये एक जैफर है. वेट अ सेकेंड, इसको तो मैं मारूंगा. सो 35K का डैमेज एंड चलो गाइज इसका काम यहाँ पे तमाम. एंड गाइज फाइनली वी अचीव्ड गॉड लाइक 10 किल्स इन अ रो विथ Redox एंड अभी शायद हम बैटल विन करने वाले. नहीं नहीं भाई आखिरी मैक बचा है गाइज, इसको किसी भी तरह हमको ही मारना है. 11th किल है भाई ये अपना.
ओके सो चलो गाइस यहाँ पे हमने इसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया है। सो गाइस हम लोग ये मैच हो चुके हैं विक्ट्री एंड रेडॉक्स हो चुका है एमवीपी विथ ओवर 11 किल्स प्लस गॉडलाइक। एंड गाइस अब बारी है अपने ब्रिक हाउस की। चलो ओके सो चलो गाइस यहाँ पे अपना सेकंड बैटल जो है स्टार्ट हो चुका है एंड पैटरसन स्टेशन मैप आया है। सो भाई एज कम्पेयर टू रेडॉक्स ये थोड़ा अच्छा मैप है ना इलॉन स्टेशन से। सो ट्राई करिए गाइस किसी भी तरह हमको ना 11 किल से ज़्यादा करना है। एंड अगर भाई मैं ब्रिक हाउस से 11 किल से ज़्यादा कर लेता हूँ तो अपना ब्रिक हाउस विनर बन जाएगा। तो पूरी कोशिश करेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा किल करने की। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गाइस हमको कैप्चर मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। ये एरेस यहाँ पे पहुंच चुका है भाई कैप्चर के लिए, मुझे भी कैप्चर करना है यार। चलो यार कम से कम हमको कैप्चर तो मिल गया। यहाँ से एक मैं के ओवरचार्ज चालू करते हैं एंड एक ही गोली में इसका काम तमाम। यही भाई फ़ायदा है यार ओवरचार्ज का। सो इधर से एक मैक आ रहा है, वेट मिस हो गया गाइस, उसने मिली डैश यूज़ किया ना इसलिए। वेट ये भी मिस हो गया है यार, ये वाला लगना चाहिए। सो चलो गाइस यहाँ पे अपने 2 किल्स हो चुके हैं एंड अभी सेंटर पे बहुत सारे मैक्स है, मतलब साइड वाइड से मैक नहीं आ रहे इस बार, सारे बॉट सेंटर से आ रहे हैं। तो हम भी चलते हैं भाई यहाँ से। एंड इधर एक कम एचपी वाला दिख रहा है, इसको किसी और ने मार दिया। इसको मैं मारूंगा बट पहले वेट करते हैं। एंड यही मौका था भाई, मैंने मार दिया इसको, इस किल शॉट को मारेंगे बट इसको किसी और ने मार दिया। वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ से एक टैंक आ रहा है तो मेरे को भाई बैकअप ले लेना चाहिए, इससे भाई भिड़ना नहीं है क्योंकि मेरे पास बुलेट्स भी कम है ना। सो गाइस एक तरह से आप कह सकते हो कि रॉयल गन के दम पे ही हमको सारे किल्स अचीव करने पड़ेंगे। रेडॉक्स के पास तो मिसाइल रॉकेट था बट ब्रिक हाउस के पास सिर्फ और सिर्फ रॉयल गन और थर्मल लेंस 2 है जो कि किसी काम का नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत काम का है, ज़्यादा नहीं। तो चलो यहाँ पे मैंने इसको भी मार दिया है एंड अभी वेट करते हैं गाइस मैक्स के आने का। यहाँ से एक आ रहा है भाई अपना, क्या कहते हैं इसको, एरेस। ओके गाइस इसको थोड़ा बहुत और डैमेज दो एंड ये लो गाइस हमने ये किल भी ले लिया है। यहाँ से एक एमडी आ रहा है, वेट एक बुलेट मारूँ क्या इसको? नहीं गाइस इसको मारना मतलब बुलेट्स वेस्ट करना होगा और कुछ नहीं। हम गाइस वेट करेंगे, जब कोई मैक को ज़्यादा डैमेज दे देगा ना कोई तब मारेंगे लाइक दिस गाइस। ये तो अपने ओवरचार्ज की वजह से आसानी से मर गया। गाइज अभी भी ओवरचार्ज बचा है तो इस एमडी को मुझे मार देना चाहिए। एंड कहाँ जा रहा है भाई तू? ओके सो चलो गाइज यहाँ पे अपना अनस्टॉपेबल कंप्लीट हो गया एंड ये एमडी पता नहीं कहाँ जा रहा था घूम के, पीछे से दिया भाई बना से। रुक जाओ गाइज अभी इसको मार दे फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट गाइज इसको मारना है हमको ये जो भी है अपना एरेस। सो अब भाई इसका काम तमाम करते हैं एंड गाइज यहाँ पे इस एरेस को मार दिया। यहाँ से जगन्नाथ आ चुका है सो मेरे पास भाई अब बुलेट्स भी नहीं बचे, पीछे हटना पड़ेगा। भाई एक एमडी भी आ गया, हद है यार। ओके पीछे चलते हैं गाइस, मरना नहीं है हमको अभी। तो भाई मैंने बहुत कम किल्स किए, 10 किल तो करने दो कम से कम। सो इसको डैमेज दिया गाइस मैंने थोड़ा बहुत एंड आई थिंक ये किल मेरे को नहीं मिलने वाला है। एंड यस गाइस ये किल मुझे नहीं मिला। ओके तो इधर से 2 मैक्स आ रहे गाइस फिर से, अभी ये हमारे पास एक चांस है भाई यहाँ से किल्स निकालने के। तो इस एरेस को भाई मारते हैं एंड गाइज ये पहला बुलेट दूसरे बुलेट में इसका काम तमाम होना चाहिए। शिट गाइज मेरा सेकंड बुलेट मिस हो गया बट अभी भी थर्मल लेंस से मैंने ये किल अचीव कर लिया। गाइज यहाँ पे रैम्पेज कंप्लीट हो गया एंड यार थर्मल लेंस से हमने ये किल अचीव कर लिया, वाह। ओके सो गाइज फाइनली वी अचीव्ड गॉड लाइक 10 किल्स इन अ रो विद ब्रिक हाउस। साथ ही साथ गाइज हमारा नेमेसिस भी कंप्लीट हो चुका है भाई, क्या ही बोले गाइज। एंड अभी रुक जाओ यहाँ पे नीचे एक मैक था, वेट यहाँ इसको पहले मारते हैं भाई, बाद में ये फिर दिक्कत करेगा। थोड़ा बहुत इसको डैमेज दिया एंड ये लो गाइस ये किल भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। गाइस नीचे 2 मैक्स है तो इन दोनों को मारने चलते हैं। ये देखो यहाँ पे एक मैक है, वेट अ सेकंड भाई थोड़ा पीक देना तब मैं मारूँ इस जगन्नाथ को, इन लोग डैमेज दे रहे हैं और थोड़ा डैमेज देना तब मैं इसको मार दूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई हमने बहुत ही ओपी लिए किल चुरा लिया है, इसको भी मारते हैं एंड पता नहीं कितने किल्स निकल गए बट अच्छा खासा गेम प्ले जा रहा है। अब गाइस लास्ट मैक बचा है, ये रहा देखो इसको इन लोग ही मार देंगे आई थिंक, हाँ भाई इन्होंने ही मार दिया। एंड अब मुझे नहीं लगता भाई एक किल मेरे को मिलने वाला है और किल्स, भाई लास्ट मैक है देखने दो कौन सा मैक है। ओके सो गाइज कहाँ है, सो लास्ट मैक एक शैडो है एंड एज यू कैन सी भाई 4 के 4 बॉट उस शैडो के ऊपर अटैक कर दिया एंड उस शैडो का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये देखो भाई उस शैडो का काम तमाम कर दिए इन लोग। सो चलो गाइस हम लोग ये बैटल हो चुके हैं विक्ट्री एंड ब्रिक हाउस हो चुका है एमवीपी विथ ओवर 13 किल्स प्लस गॉड लाइक एंड नेमेसिस। एंड गाइस रेडॉक्स से मैंने 11 किल्स किए थे एंड ब्रिक हाउस से 13, तो ऑब्वियसली यार अपना ब्रिक हाउस विनर है। एंड गाइस यही था हमारा आज का वर्सेस वीडियो, आई होप भाई आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, आज का हम लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक्स। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी, अरे भाई कुछ ज़्यादा हो गया, चलो कम कर देते 800 लाइक्स। ओके गाइज आई होप आप लोग कंप्लीट करा दोगे एंड अपने फ्रेंड्स को इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर से शेयर करना, कमेंट में बताना भाई आपको ये वर्सेस कैसा लगा
एंड गाइज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मुझे वहाँ पे जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।